कोयले की कमी को लेकर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी के संकट को लेकर बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली दरों में मामूली बढ़त हो सकती है, जिसे आम लोगों के पॉकेट पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। डायरेक्ट में जो बिजली की कॉस्ट है वो 12 रुपए के आसपास पड़ रही है। कोयले से जो इम्पैक्ट होगा, अगर हम इम्पोर्ट जितना हम कर रहे हैं और पूरा भी लग जाता है तो 20-25 पैसे का फर्क पड़ेगा। तो अगर मुझे जो आज की तारीख में जो बिजली पड़ रही है वो 4-4.5 रुपए में 25 पैसे और लग गया तो 4.75 है, उसके बजाय मैं 12 रुपए की बिजली लूँ या अपने सिटीजन्स को बिजली ना दूँ, ये हमारे पास विकल्प नहीं है। तो चूंकि उपलब्धता नहीं है और केंद्र शासन ने लिखित में हमको आदेशित किया है कि हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, अन्यथा वो बाकी कोल भी नहीं देंगे, इसलिए हमें। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।